Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Inside Organon. Once again, I'm back with a brand new topic of Organon of Medicine, जो कि examination में बहुत बार 20 marks question में पूछे गए हैं. In fact, मेरे examination में भी ये 20 marks question में पूछा गया था. And that is diet and regimen. ठीक है, diet and regimen, Dr. Hahnemann ने FRS number 259 से 263 में discuss किया है. ठीक है, डाइट और रेजिमेन को डॉक्टर हैनिमन ने जो एक्सप्लेन किया है वो क्या है, दैट बेसिकली डायनामिक मेडिसिन का जो एक्शन होता है ना वो सिर्फ वाइटल फोर्स पे होता है, लेकिन एनी ऑब्स्टिकल इन लाइफ ऑफ द पेशेंट विल इंटरफियर विद द क्यूरेटिव पावर ऑफ द रेमेडी. ठीक है, कई बार ये ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर क्योर प्रॉपर रिकवरी होने नहीं देते हैं, इसीलिए ये लॉजिकल होता है. आप भी देखे होंगे, आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये चीजें आपको खाने में अवॉइड करनी है, ऐसे रहना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, सो एंड सो. तो डॉक्टर हैनिमन ने भी यही बताया है दैट क्योर को होने में अकर होने में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उनको अवॉइड करने के लिए सर्टेन डाइट एंड रेजिमेन को डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, अब डॉक्टर हैनिमन ने जो डाइट और रेजिमेन रिकमेंड किया है वो क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट हैज बीन मेंशन डाइट एंड रेजिमेन इन क्रोनिक डिजीज. ठीक है, तो क्रोनिक डिजीज में क्या है, थिंग्स टू बी फॉलोड, सॉरी थिंग्स टू बी अवॉइडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफी, चाइनीज एंड अदर हर्बल टी या फिर मेडिसिनल वेजिटेबल सब्सटेंसेस, ये सारी चीजें अवॉइड की जाती है. ठीक है, लिकर्स स्पेशली ऑफ मेडिसिनल स्पाइसेस या फिर किसी भी टाइप का पंच, मतलब जैसे वाइन, स्पिरिट, ठीक है, फ्रूट जूसेस या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें स्पाइसेस हो, लिकर हो, अल्कोहल हो, उन सबको अवॉइड करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्पाइस्ड चॉकलेट्स, odorous water and perfumes, ये सारी चीजें basically आप ऐसा समझो कि जितनी भी चीजें होती हैं जिनमें खुद की कोई medicinal property होती है वो आपको intake करना मना होता है. Smelling flowers, ठीक है, essence या फिर perfumed sachets, ये सब drugs are not advisable. Highly spiced dishes, बहुत ज्यादा spicy, tangy sauces वाली dishes, स्पाइस्ड केक्स, आइस या फिर कोई भी ऐसे क्रूड वेजिटेबल मेडिसिन, सूप्स, डिशेस, हर्ब्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है खाना. अपार्ट फ्रॉम दैट द मीट, कोई भी ऐसी मीट जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, लाइक एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं, द फ्लैश एंड फैट ऑफ द पोर्क, डक, गीज और व्हील, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं होता है. एक्सेस ऑफ फूड, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ शुगर, कोई भी चीज की एक्सेस इज नॉट अलाउड. हीटेड रूम्स में रहना या फिर वुलन क्लोथ, एकदम मतलब जैसे एकदम ही गर्मी में रहना या फिर एकदम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करना, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली ना आपको एकदम जैसे साधु संत रहते हैं लगभग उस टाइप का डाइट और रेजिमेन फॉलो करने के लिए डॉक्टर हैनिमन ने बोला है. हाई सॉरी हीटेड रूम्स एंड वुलन क्लोथ्स टू द स्किन, ये भी नहीं रखना है, और सीडेंट्री लाइफ फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, क्लोज अपार्टमेंट में नहीं रहना है. प्रोलॉन्ग सकलिंग एंड टेकिंग अ लॉन्ग सीस्टा, दैट इज आफ्टरनून नैप, दोपहर में बहुत ज्यादा नहीं सोना है. रिकमेंड पोजिशन, आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज इट, तो उसमें भी अलाउड नहीं है सोना. सिटिंग अप लॉन्ग एट नाइट, मतलब ना दोपहर में सोना अलाउड है, ठीक है, रिकमेंड पोजिशन में सोना अलाउड नहीं है, देन सिटिंग अप लॉन्ग एट नाइट, ये भी लिमिटेड रखना है या फिर नहीं रखना है. अनक्लेनलीनेस, गंदगी से नहीं रहना है. अननेचुरल डिबाउचरी, दैट मींस इमोरल सेक्सुअल एक्ट, फॉर एग्जांपल मास्टरबेशन एंड ऑल इज प्रोहिबिटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, रीडिंग ऑब्सीन बुक्स, रीडिंग व्हाइल लाइंग डाउन, ओनेज्म या फिर सप्रेस्ड इंटरकोर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ये सब अवॉइडेड होता है. एंगर इज
अवॉइडेड ग्रीव वेक्सेशन ओवर एक्सर्शन करना माइंड या बॉडी का किसी भी तरीके से, ये सारी चीजें पर्सन को अलाउड नहीं होती है. ठीक है. एनी कंट्रोल ऑफ डाइट एंड रेजिमेन विच मस्ट डिस्टर्ब रेगुलर लाइफ ऑफ द पेशेंट. दिस इज द की पॉइंट अमंग ऑल द पॉइंट्स दैट कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन की रेगुलर लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है शुड बी अवॉइडेड. ओके. नाउ वॉट आर द थिंग्स दैट आर रिकमेंडेड. तो अवॉइडेंस ऑफ स्टेटेड डाइट एंड रेजिमेन जो ऊपर दिया गया है वो सब फॉलो करना है. पर्सन को एंकरेज करना है कि वो गुड मॉरल लाइफ जिए. इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशंस करे जैसे पजल सॉल्व करना, क्विजेस करना, चेस खेलना. ठीक है. एक्टिव एक्सरसाइज अगर करनी भी है तो वॉकिंग करनी है, स्लाइट फिजिकल एक्सर्शन करना है. ये नहीं कि ट्रेडमिल पे बहुत ज्यादा भाग लिया, रनिंग कर ली, ये सब चीजें नहीं करनी है. ठीक है. तो एक्टिव एक्सरसाइज करनी है वेंटिलेटेड प्लेसेस में. ठीक. अपार्ट फ्रॉम दैट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द डिजीज एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट एक सूटेबल न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है. लेकिन माइंड यू अनमेडिसिनल फूड और ड्रिंक्स होने चाहिए उसमें. ठीक है. अब हमने देख लिया डाइट एंड रेजिमेन इन क्रोनिक डिजीज. नाउ लेट्स कम टू अक्यूट डिजीजेस. तो इन अक्यूट डिजीजेस द वाइटल फोर्स इज वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट रिलीजेस समथिंग. वाइटल फोर्स को पता है कि उसको प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से खत्म होगी. ठीक. तो उस कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, तो पेशेंट हैज टू गाइड द फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट टू प्रोवाइड दोज विच द पेशेंट थिंग्स विल रिलीव हिज सफरिंग. ठीक है. कई बार लोग कहते हैं कि उनको जुकाम हो गया यार, मुझे बहुत ज्यादा तीता कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है. या फिर कोई पर्सन होता है उसको जुकाम हो गया, उसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा होता है. ठीक है. तो दीज थिंग्स आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, येट यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वाइटल फोर्स ही है जो पर्सन से बोल रही है दैट उसकी सफरिंग को रिलीव करने के लिए उसको उन चीजों का इंटेक करना पड़ेगा. इन अक्यूट डिजीजेस द पेशेंट डिजायर्स सच फूड एंड ड्रिंक व्हिच पैलिएट्स हिज सफरिंग. ठीक है. इफ द क्रेविंग ऑफ द पेशेंट आर नॉन मेडिसिनल इन नेचर दे कैन बी अलाउड. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है तो वो लिकर की डिमांड कर रहा है कि नहीं मुझे वाइन पीनी है, अल्कोहल पीना है, वो टाइप की क्रेविंग नहीं. बट अगर कोई क्रेविंग्स ऐसी हैं जो होम्योपैथिक हैं, देन सॉरी नॉन मेडिसिनल हैं, देन यू कैन गो फॉर इट. बट इफ द क्रेविंग्स ऑफ द पेशेंट आर डाउटेड टू इंटरफियर विद द एक्शन ऑफ रेमेडी, ये भी चीज का ध्यान रखना है कि आपने मेडिसिन दी और उसके एक्शन को इंटरफियर भी ना करे उसकी जो क्रेविंग है. कि नहीं, आपको कॉफी पीने को मना किया गया, आपको कॉफी पीने की क्रेविंग हो गई है, तो आप नहीं ले सकते कॉफी, बिकॉज जो मेडिसिन है उसका एक्शन जो है वो उससे बाध्य हो जाएगा. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ द पेशेंट रूम एंड अरेंजमेंट ऑफ हिज बेड एंड कंट्रोल ऑफ हिज रूम टेम्परेचर मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द विशेस. कई बार पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है क्यूट डिजीज में कि ये चीज यहाँ क्यों रखा है, उसको वहीं रहने दो, मुझे नहीं ओढ़ना है ब्लैंकेट, या फिर मुझे अपना सर पिलो पे ही रखना है, या फिर मुझे दो पिलो चाहिए एक के ऊपर एक, उसके बाद मुझे सर ऊंचा करके आराम मिल रहा है हेडेक में, या जो भी कंडीशन है. तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंग रहे तो दैट इज फार मोर फ्रूटफुल एज लॉन्ग एज इट इज नॉट मेडिसिनल. As far as the property of patient must be kept free from all types of overexertion, mental tension and emotion. हर कुछ करना है but person को कोई भी overexertion से, किसी भी mental tension से या फिर emotion से दूर रखना है. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which we have discussed diet and regimen. 20 marks में पूछे जाने वाला question है, इसीलिए this video was a bit lengthy. बट आई होप ये वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. एफआरएस नंबर ध्यान में रखिएगा एंड आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज 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 इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. हैप्पी लर्निंग.